तो विधायक मैडम के बेटे की एक न चली, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो खंडवा की ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने विधायक जी के बेटे का चालान काट दिया। हालांकि इस घटना के बाद देर रात विधायक पति मुकेश तन्वे अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए। शुरू में लगा कि वो अपने बेटे के चालान काटने से नाराज होंगे, लेकिन पुलिस अफसरों से मिलने के बाद में मुकेश तन्वे ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। तो पुलिस का अपना काम है, चालानी कार्रवाई जनता की सुविधा के लिए होती है। हेलमेट लगाओ, तीन लोग नहीं बैठ के बैठो, ऐसी इस तरीके के कारण होती है। पर यदि कोई परेशान है, किसी को आवश्यकता है, तो उस मामले में बात कर लेते हैं। बाकी आज के चुनाव में अपने चालान कार्रवाई की मेरी कोई जानकारी नहीं। एक बात जरूर है कि मेरा बेटा यहाँ से मेरा बेटा जो है यहाँ से गुजर रहा था, वो जिम जाता है, उसका मैंने उसको फ़ोन लगाया था किसी काम के लिए। तो पापा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा बेल्ट लगा हुआ नहीं था तो मैं यहाँ रुका हूँ। और सहज मेरी कोई पुलिस वाले से उस मामले में बात भी नहीं हुई, मैंने फ़ोन भी नहीं लगाया। मेरा यही रिटर्न था कि बेटा निवेदन कर लो या चालान दे दो, इसके अलावा मेरी दूसरी कोई बात नहीं। आपको बता दें कि खंडवा विधानसभा सीट से कंचन तन्वे बीजेपी विधायक है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कंचन तन्वे ने कांग्रेस के कुंदन मालवीय को भारी मतों के अंतर से हराया था। खंडवा से जनागदा की रिपोर्ट, एमपी तक।